वीर शहीदों की स्मृति में आयोजित शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट में हर दिन हो रहे हैं रोमांचक मुकाबले। हर रोज शहीद परिवार के लोगों को बनाया जा रहा है मुख्य अतिथि। टूर्नामेंट का प्रथम मैच बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस बिलासपुर रेंज पुलिस के मध्य खेला गया, जिसमें बिलासपुर रेंज पुलिस ने 88 रनों से मैच जीत ली। वीर शहीदों की स्मृति में आयोजित फ्लड लाइट क्रिकेट कारपोरेट प्रोसाफ्ट लीग वीर शहीद स्मृति बहुउद्देशीय सेवा समिति भिलाई के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें स्पॉन्सर दुर्ग पुलिस के तत्वाधान में हो रही है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल छत्तीसगढ़ की 16 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया है, जहां उनके बीच 3 लीग मैच और फिर सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला जाएगा। 10 दिन चलने वाले इस क्रिकेट महाकुंभ में पहला इनाम 2 लाख, द्वितीय इनाम 1 लाख रुपये रखा गया है। साथ ही बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट कीपर, फेयर प्ले मैन ऑफ द मैच, फेयर प्ले टीम के अलग अलग आकर्षक इनाम रखा गया है। टूर्नामेंट 6 मई से शुरू हुआ है, जो 16 तारीख तक चलेगा। टूर्नामेंट के 6वें दिवस पर शहीद आरक्षक थान सिंह के परिवार एवं शहीद राम भवन पटेल के परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव, वरिष्ठ अधिकारियों के परिवार के बच्चों के द्वारा ग्राउंड में बने बाल आप ट्रिब्यूट में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद परिवारों को सम्मान कर 11,000 रुपए का सम्मान चेक राशि प्रदान किया गया। इस टूर्नामेंट का मुख्य आकर्षण का केंद्र वाल आप ट्रिब्यूट है, जिसमें जिला दुर्ग के शहीद हुए 31 वीर सपूतों के बारे में जानकारी देकर उनकी शहादत को श्रद्धांजलि प्रत्येक दिन दी जा रही है। प्रत्येक दिन ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से देशभक्ति के गीत सुनाकर पूरा ग्राउंड एवं दर्शक को भावुक किया जाता है। इसके बाद में मैच प्रारंभ होती है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।